गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। कल आपको फैक्टर बताए थे, आज नंबर तो आप लोग पढ़े हुए हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। आज ये आपके लिए नया है, डिफिशियंट नंबर, एबंडेंट नंबर और परफेक्ट नंबर। तो डिफिशियंट नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड, आपके बुक में डिफाइन दिया हुआ है, केवल एग्जाम्पल के द्वारा वो समझा दे रहा है। ए नंबर इज कॉल्ड डिफिशियंट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज लेस देन ट्वाइस द नंबर। मान लेते हैं, एग्जाम्पल फुल समझिएगा तो क्लियर होगा। एक नंबर लेते हैं हम 25। 25 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर है, पहले उसको लिख दें तो 1 होगा, 5 होगा और कुछ होगा, अपने आप का होगा। इसको जोड़ने पर, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं इसको जोड़ने पर और नंबर को दुगुना करने से कम हो इसका फैक्टर, तो वह डिफिशियंट नंबर का है। इसके फैक्टर को जोड़ दिए, 1 + 5 + 25, तो टोटल कितना आ गया, 31। और इसको डबल कर दें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 50, तो यार इसका पॉसिबल फैक्टर का जो सम हुआ वह नंबर ट्वाइस नंबर जितना दिया गया उसके दुगुना करने से कम आता है, तो वैसे नंबर क्या कहलाता है, डिफिशियंट नंबर। एक और दूसरा देख लेते हैं, मान लेते हैं 20 का कितना पॉसिबल फैक्टर हुआ, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अगर इस सभी को जोड़ने पर और इस नंबर को दुगुना करने से इसका पॉसिबल फैक्टर का सम कम आता है, यह नंबर क्या कहलाएगा, डिफिशियंट नंबर कहलाएगा। तो जोड़े इसके सभी पॉसिबल फैक्टर को, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इसे ज़्यादा आना चाहिए, 3, 4, 7, 5, 12, 13, 47। और इसको दुगुना के इधर आया 40, तो यह 20 जो है वह डिफिशियंट नंबर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पॉसिबल फैक्टर के सम से इसका ट्वाइस नंबर यानी दुगुना करने पर जो संख्या आता है इससे कम आता है, तो यह डिफिशियंट नंबर नहीं। पहला हो गया, अब लिखेंगे एविडेंट नंबर। दूसरा है एविडेंट नंबर, इसमें कह रहा है ए नंबर इज कॉल्ड एविडेंट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इंक्लूडिंग द नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस द नंबर। इसमें जैसे 20 का भी बताया है, एक और बता देते हैं, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम 30 लेते हैं। 30 का जितना पॉसिबल फैक्टर हम लिखते चलेगा, वन तो सबका फैक्टर होता है, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसको एविडेंट नंबर तब होगा कि जो या पॉसिबल फैक्टर है इसको जोड़ने पर और इस संख्या को दुगुना करने पर, इससे दुगुना करने पर इसका ज्यादा आवे सम, तब यह एविडेंट नंबर। जोड़ा इसको, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 1, 2, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17,
और 17 आज इधर आ गया 55 और 17 ये टोटल आया हमको 70 और इसको डबल करते हैं 30 को तो कितना आया 60 तो इसका सम अधिक आ गया और इसको ट्वाइस करते हैं डबल करते हैं संख्या को तब तो 60 आया और इसका पॉसिबल फैक्टर का सम अधिक आया तो यह क्या हुआ एविडेंट नंबर। और तीसरा परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं संख्या लिखते हैं इसका पॉसिबल फैक्टर 1 होगा 2 होगा 3 होगा और क्या होगा 6 इसमें होता है परफेक्ट नंबर ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर आवर डिवीजन इसको डबल करिए तो यह 12 आया और इधर भी जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 1 2 3 3 6 6 12 यह क्या कहलाएगा 6 परफेक्ट नंबर। और इसके अलावा कल 4 तक दिए थे 4 के आगे आपको बनाना होगा 11 तक।